हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल नॉलेज 247। बच्चों, हम बात जो कर रहे हैं वो चैप्टर 5 है। चैप्टर 5 के बारे में जो है हम डिस्कशन करेंगे आज। जो चैप्टर है हमारा वो है एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। इससे पहले जो चैप्टर फर्स्ट था, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एंड न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, चैप्टर फर्स्ट एंड सेकेंड और थर्ड एंड फोर्थ के बारे में जो है हम बात कर चुके हैं। तो जिन भी बच्चों ने अगर वो नहीं देखे हैं तो वो इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर जो है उन वीडियोस को देखिए, क्योंकि थ्योरी जो है वो मैं पहले करा चुकी हूँ, लेकिन अब जो चल रहा है वो इसका जो सॉल्यूशन है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसके बारे में जो है हम डिस्कस कर रहे हैं। आज जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5, एसिड्स बेस एंड सॉल्ट्स के बारे में जो है हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है उनके बारे में जो है वो देखेंगे आज। तो देखिए, सबसे पहले क्या है यहाँ पर, जो एसिड बेस एंड सॉल्ट्स हैं उसमें जो डिफरेंस है, सबसे पहले जो डिफरेंस हम बात करेंगे एसिड्स और बेस, यानी कि अम्ल और क्षार के बारे में जो डिफरेंस है उसके बारे में जो है हम यहाँ पर देखेंगे। तो मैंने जो चैप्टर आपको पढ़ाया था, जो थ्योरी पढ़ाई थी, उसमें जिन भी बच्चों ने अगर वो चैप्टर नहीं देखा तो सबसे पहले आप जो है उस चैप्टर को जाकर देखिए, फिर उसके बाद में जो है आपको तब ये समझ में आएगा। तो यहाँ पर एसिड है, एसिड क्या होता है, जो मैंने आपको बताया था कि एसिड जो है अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जो टेस्ट में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। एसिड्स आर सोर इन टेस्ट, यानी कि वो टेस्ट में खट्टे होते हैं। जबकि बेस, मैंने बताया था कि जो बेस होते हैं, जो क्षार होते हैं, वो कैसे होते हैं, टेस्ट में जो है वो कड़वे होते हैं। बेसिस आर बिटर इन टेस्ट। तो ये तो है सबसे पहला जो डिफरेंस है एसिड्स एंड बेस में। सेकंड डिफरेंस है यहाँ पर कि एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड कलर, अम्ल जो हैं वो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। ये हमेशा याद रखना कि जो अम्ल होंगे वो क्या होगा, वो ब्लू लिटमस पेपर जो होगा इनको जो है लाल कर देंगे। द बेसिस डू नॉट चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस पेपर। अगला पॉइंट है, एसिड्स डज नॉट चेंज द कलर ऑफ द रेड लिटमस। बेस में क्या है कि बेसिस टर्न रेड लिटमस पेपर टू ब्लू कलर, और जो बेस होंगे वो क्या होगा, वो रेड लिटमस पेपर को क्या कर देंगे, वो ब्लू कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पर हम नेक्स्ट पॉइंट जो है, अगला पॉइंट वो हम उसकी बात करें अगर, तो है एसिड डू नॉट चेंज द कलर ऑफ टर्मरिक। जो हल्दी होती है उस वो जो है उसमें जो है एसिड जो है वो कोई भी कलर जो है वो नहीं देता है, बट जो बेस होता है वो जो है रेड कलर जो है वो देता है। तो ये जो है इसका जो डिफरेंस था एसिड्स एंड बेस में। जो हल्दी होती है, हल्दी वो जो है एक इंडिकेटर्स का काम करती है, यानी कि सूचक का काम करती है, जो कि जो बेस में अगर हम क्षारीय विलयन को क्या कर देती है, वो लाल कर देती है, यानी कि बेस को क्या कर देती है, रेड कर देती है। जबकि एसिड्स में जो है उसका जो है कोई भी जो है कलर चेंज नहीं होता है, उसमें चेंज कलर नहीं होता, जबकि बेस में जो है वो रेड हो जाती है। तो यहाँ पर हमने ये समझा एसिड्स एंड बेस में जो डिफरेंस था उसके बारे में। अगला जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे ट्रू फॉल्स के बारे में, कि इस चैप्टर में जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी वो जो है मैंने यहाँ पर नोट किया कि आपको जो मैं समझा रही हूँ, तो जो ट्रू फॉल्स हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो पहला है हमारा, नाइट्रिक एसिड टर्न रेड लिटमस ब्लू। सबसे पहले है कि एसिड्स मैंने बता चुकी हूँ मैं आपको कि अम्ल क्या होते हैं, जो नीले लिटमस को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं। जबकि ये यहाँ पर है कि नाइट्रिक एसिड टर्न रेड लिटमस ब्लू, लाल को नीला करता है, नहीं, ये तो फॉल्स है। तो यानी कि जो आंसर है इसका वो क्या है, फॉल्स, ये गलत है स्टेटमेंट। अगला है, सोडियम हाइड्रोक्साइड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। जबकि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो क्या होता है, वो बेस होता है, यानी कि वो क्या होता है, एक क्षार होता है। जबकि नाइट्रिक एसिड क्या था, ये एसिड लिखा हुआ तो ये एसिड था, नाइट्रिक एसिड है जो कि लाल को, जो कि नीले लिटमस को लाल कर देता है। यहाँ पर रेड टू ब्लू बोल रहा था, इसलिए ये फॉल्स है स्टेटमेंट। सेकंड क्या था, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि क्या है, एक प्रकार का बेस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, ब्लू को जो है वो रेड कर देता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये क्या है, ये भी फॉल्स है, क्योंकि बेस जो होते हैं वो क्या करते हैं, ब्लू को रेड नहीं करते, रेड को ब्लू करते हैं। तो ये भी जो है फॉल्स स्टेटमेंट है। अगला देखिए, अगला क्या है, दोनों फॉल्स हैं वो। थर्ड है हमारा, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड न्यूट्रलाइज ईच अदर एंड फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। अब यहाँ पर जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था जो न्यूट्रलाइजेशन होती है, यानी कि जो उसको बोलते हैं हम उदासीनीकरण, न्यूट्रलाइजेशन का मतलब होता है उदासीनीकरण। तो उसमें क्या होता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है
यानी कि ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये एक प्रकार का क्या है, बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और ये है सेकेंड आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि क्या है, एसिड है, न्यूट्रलाइज ईच अदर एंड फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। अब इन दोनों की जो रिएक्शन कराते हैं हम बेस एंड एसिड्स की, तो क्या बनता है आपका, सॉल्ट लवण बनता है और क्या बनता है आपका, जल यानी कि वाटर, और हीट जो है वो निकलती है। तो यहाँ पर मैंने आपको जो जब चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने आपको जो है वो रिएक्शन भी बताई थी आपको, कि यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH, यहाँ पर मैं बताती हूँ, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl यहाँ पर हमने लिया। अब इन दोनों की जो हमने रिएक्शन कराई तो यहाँ पर क्या होगा, NaCl या NaCl जो है वो अलग हो जाएगा, प्लस H2O, NaCl प्लस H2O यानी कि वाटर। NaCl को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर हो गया सोडियम क्लोराइड, यानी कि इसको बोलते हैं हम सॉल्ट यानी कि लवण, और ये क्या है आपका, ये है आपका वाटर यानी कि जल, प्लस हीट, यहाँ पर जो है हीट जो है वो निकलती है, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन है, ये पूरी जो प्रोसेस है, ये क्या कहलाती है, न्यूट्रलाइजेशन यानी कि उदासीनीकरण जो है वो कहलाती है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल ट्रू है, तो यहाँ पर जो है आप जो है ट्रू लगाएंगे, ठीक है। अगला पॉइंट से हमारा, इंडिकेटर इज़ अ सब्सटेंस विच शोज़ डिफरेंट कलर्स इन एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशन। इंडिकेटर्स का मतलब ही वो होता है कि सूचक, यानी कि जिससे जो है हमको पता चले कि कौन एसिड्स है एंड कौन बेस है, जो डिफरेंस कलर जो है वो देता है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये भी जो है आपका बिल्कुल ट्रू है, यानी कि थर्ड एंड फोर्थ जो हैं वो ट्रू हैं, जबकि फर्स्ट एंड सेकेंड जो थे वो आपके फॉल्स थे, ठीक है। तो ये जो है आप जो है नोट कर लेना कॉपी पर। अगला देखिए, अगला पॉइंट क्या है हमारा, अगला पॉइंट से हमारा जो इसको जो है यहाँ पर जो है मैंने जो पूरी रिएक्शन थी न्यूट्रलाइजेशन की, तो इसको भी जो है ये भी एग्ज़ाम में आ सकता है क्वेश्चन, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन विद द हेल्प ऑफ एन एग्ज़ाम्पल। यहाँ पर एग्ज़ाम्पल के थ्रू जो है आपको डिस्क्राइब करना है न्यूट्रलाइजेशन को। तो यहाँ पर देखिए, न्यूट्रलाइजेशन इज़ अ रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस। एसिड एंड बेस के जो रिएक्शन होती है वो न्यूट्रलाइजेशन जो है उसको कहते हैं। हियर बोथ एसिड्स एंड बेस गेट न्यूट्रलाइज्ड, फॉर एग्जांपल जैसे कि व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH इज एडेड द हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम जो है HCl से जो है रिएक्शन कराएंगे, तो सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl यानी कि सॉल्ट, यानी कि इसको बोलते हैं हम लवण एंड वाटर, और हमको क्या प्राप्त होगा, लवण और जल यानी कि सॉल्ट एंड वाटर, और यहाँ पर जो है हीट जो है वो निकलेगी यहाँ से, ठीक है। तो ये जो पूरी रिएक्शन है, ये न्यूट्रलाइजेशन, ये जो है इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसको जो है डिस्क्राइब करना है आपको एग्ज़ाम में। आप पूछ सकते हैं कि न्यूट्रलाइजेशन जो है, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल, एग्जाम्पल भी आपको देना होगा। तो आप जो है इसको, ये एग्जाम्पल जो है वो आप दे देंगे। और मैं आपको एक बात और बता दूँ, जैसे कि एसिड्स होता है, जैसे कि यहाँ पर था NaOH एंड यहाँ पर था HCl, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड था, हमने जो है दो बीकर लिए और उसमें एक में हमने HCl रखा और दूसरे में हमने NaOH रखा, ठीक है। तो जब हम इसको जो है लिटमस पेपर HCl के पास लेके जाएंगे तो क्या होगा, ये जो है रेड हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि अम्ल की पहचान ही है कि ये क्या कर देता है, रेड कर देता है, ब्लू को रेड कर देता है। जबकि हम जब बेस पर लेके जाएंगे यानी कि क्षार के पास लेके जाएंगे तो क्या होगा, जो रेड होगा उसको क्या हो जाएगा, वो ब्लू हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है ये ब्लू हो जाएगा यहाँ पर। लेकिन जब यहाँ पर इन दोनों की रिएक्शन कराएंगे हम, उसके बाद में NaCl की हमने रिएक्शन कराई, NaOH NaCl की रिएक्शन कराने पर NaCl जो है वो मिला। तो जब NaCl जब मिलेगा तो हम जो है उसको, जब लिटमस पेपर जो है NaCl इनके पास लेकर जाएंगे तो कोई भी जो है कलर जो है वो नहीं होगा, यानी कि लिटमस पेपर जो है वो कोई भी कलर का नहीं दिखाई देगा। तो ये जो है क्रिया जो है पूरी जो प्रोसेस है वो आपकी उदासीनीकरण क्रिया कहलाती है, यानी कि न्यूट्रलाइजेशन जो है वो कहलाती है। बच्चों ये सारी जो पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं एग्ज़ाम पैटर्न्स हैं, तो सभी को जो है आप नोट कर लेना कॉपी पर, और जो है साथ के साथ जो है मेरे जितनी भी मैंने वीडियोस कराई हैं सभी को जो है देखना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।